अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। देख रही है हमने, मुझे लगता है जैसे जैसे मैंने उसे देखा। किसे देखा? जिसका नाम सुनकर भी मेरी रूह कांप जाती है। किसकी बात कर रही है तू? कौन है वहां? गजल। दुआ, खुदा के वास्ते चुप रह। उस इब्लिस का नाम भी मत ले तू। देख बेटा, हम लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। अब तुझे उसकी शक्ल भी दिखाई देने लग गई है। क्या हो गया है तुझे? वो हमारा गुजरा हुआ कल है, उसे गुजरा हुआ कल ही रहने दे। आज की परेशानियों को कैसे हल करना है तू उसके बारे में सोच। लेकिन अम्मी, मैंने उसकी आहट। गलतफहमी है तेरी, सुन मेरी बात। न वो है और ना ही उसकी आहट हमारे आसपास है। बेटा, आज का दिन बहुत भारी गुजरा है ना, शायद इसीलिए तेरे जहन में ऐसे बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं। इधर देख मेरी तरफ, उधर ध्यान मत दे। अल्लाह हम पर रहम करे। अरे वो कमबख्त तो 22 साल पहले मर खप चुकी है। तुझे उसका भूत दिखाई देने लग गया है क्या? तू चल घर चल। घर चल दुआ, पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। मेरी बात सुन, घर चल चल चल। कशफ, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है? कॉल उठाओ कशफ। हेलो हेलो कशफ। अरे यार, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? जब मैं फोन नहीं उठा रही तो उसका मतलब ये है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। सिंपल। मैं जानता हूँ मिस ऑर्थो, इसीलिए तो तुम्हें मैं बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम पता नहीं मेरी फैमिली के बारे में क्या सोच रही होगी। अरे मुझे कौन सा घर बसाना है तुम्हारे साथ जो मैं तुम्हारी या तुम्हारी फैमिली के बारे में सोचूंगी? अगर हाँ जनरली पूछ रहे हो तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगा। मतलब तुम खुद सोचो, एक बीवी के होते हुए किसी और से शादी करना बहुत गलत काम है यार। गलत है, बेशक गलत है, मैं जानता हूँ। और मुझे भी उतना ही बुरा लगा जितना तुम्हें बुरा लग रहा है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि हम बैठेंगे और इस बारे में बात करेंगे। शट अप यार सूफी, जो हुआ वो बहुत अजीब था। और तुम कुछ सोचो, तुम्हारी भाभी के दिल पे क्या बीत रही होगी? मुझे तो सोच सोच के परेशानी हो रही है। कशफ, मेरी बात समझने की कोशिश। व्हाट कशफ? लिसन, मैंने तुम्हें बता दिया मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में क्या सोचती हूँ। अब दोबारा मुझे कॉल मत करना प्लीज। कशफ कशफ, मन्नत मिंते मरहूम हैदर अख्तर, आपका निकाह जनाब सुभान सिद्दीकी वल्द हाफिज सिद्दीकी से करार पाया है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। जनाब सुभान सिद्दीकी वल्द हाफिज सिद्दीकी, आपका निकाह मन्नत बिनते मरहूम हैदर अख्तर के साथ करार पाया गया है। आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। दो बार और कहिए, आपको ये निकाह कबूल है?
कबूल है, कबूल है, कबूल है। एक बार और कहिए। सुभान साहब, आपको ये निकाह कबूल है? सुभान साहब कहिए, क्या आपको ये निकाह कबूल है? नहीं, ये निकाह कबूल नहीं है। अब मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, जाओ यहां से। क्यों जाऊं मैं यहां से? मेरा शौहर किसी और के साथ निकाह कर रहा है और मैं यहां से चली जाऊं? ये निकाह तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। सुबह आगे चल के तुम भी मेरा शुक्रिया अदा करोगे कि मैंने तुम्हें इस शैतान से बचा लिया। चलो मेरे साथ। बस मेरे साथ तब क्या होगा, मैं खुद देख लूंगा। क्योंकि मेरे साथ जो होगा उसे देखने के लिए तुम तो आसपास होगी नहीं। तो अपना ये ड्रामा बंद करो। और एक बात और इबादत, अगर मन्नत के खिलाफ एक शब्द बोला ना तो उससे बड़ा कोई नहीं। हम दोनों के बीच तुम नहीं आ सकती। आज मुझे और सुभान को कोई नहीं रोक सकता। आज हम दोनों एक होकर ही रहेंगे। मेरे जीते जी तो तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा मन्नत। सुभान मेरा शौहर है और मेरे रहते हुए मेरे शौहर पे कोई दूसरी औरत अपना हक नहीं जता सकती है। सुभान की दूसरी शादी नहीं हो सकती। क्योंकि एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी करना जुर्म है। ये हमारे देश का कानून कहता है। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ कानूनी किताब तुम्हारे मुंह पर मार सकती हूं। पर तुम तो अच्छी तरह से जानती हो मेरी कानून की मालूमात। जब कोर्ट में एक से ज्यादा निकाह के खिलाफ PIL फाइल कर रही थी तो तुम तो वही खड़ी थी ना। ठीक है, अगर इस देश का कानून इजाजत नहीं देता दो शादियों की तो ठीक है, लेकिन देर इज मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसके मुताबिक हमारे मजहब से जुड़ा कोई भी शख्स एक से ज्यादा निकाह कर सकता है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।